मित्रों, जय श्री राम। मैं ब्रजेश पांडे आज आप सबके लिए कुछ अपडेट्स लेकर के आया हूँ। अपडेट्स इन द सेंस, पुनर्परीक्षा थी जो रिपीटर्स एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो उनका फॉर्म है उसका डिटेल मैं लेकर के लिए आप सबके लिए आ रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, 28 को नोटिस बनी है, 29 को पब्लिश हुई है पोर्टल पर एग्जामिनेशन के हेड में अगस्त के महीने के लिए। 809 नंबर की नोटिस है। जितनी भी अगस्त की परीक्षाएँ जो भी होंगी उसका टाइम टेबल जुलाई के मिड तक आ जाएगा, 15 से 20 तक आ जाना चाहिए। अब आपका हॉल टिकट आ जाएगा, लेकिन हॉल टिकट की ज़रूरत नहीं है, केवल आपके टाइम टेबल की ज़रूरत है। हॉल टिकट की ज़रूरत इसलिए नहीं क्योंकि सारे एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाले हैं अगस्त में। जी हाँ, ऑफलाइन एग्ज़ाम होने के चांसेस न के बराबर है। अब ये बताइए, जिनका 16 अंक का नोंदणी क्रमांक है, PRN नंबर, वो सब लोग क्या करेंगे? उनका 5 जुलाई के मध्य, मतलब 2-3 दिन में, 4 दिन में, 25 जुलाई तक आप अपना रिपीटर्स फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद कोई भी लेट फी के साथ भी सबमिशन नहीं होगा। अब क्या करें, कौन कौन लोग इसमें ये कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं? प्रमाण पत्र, पदवी का पदवी सब वाले, जिन उनका फीस रहेगा 130 रुपये, पदव्युत्तर पदवी यानी सर्व शिक्षण क्रम जो रहेंगे 150, प्रत्यक्ष के लिए 200, वाइवा के लिए और मार्कशीट के लिए 100 प्रति सेमेस्टर आप दर्ज करके प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, परीक्षा शुल्क जेवड़े विषय नापास आए त्या सर्वाचे भरावे लागे। ध्यान रखना, परीक्षा शुल्क जितने विषय हैं पर सब्जेक्ट इतना रुपया भरना पड़ेगा, 150 या 200 रुपया, ठीक है? और ऑनलाइन ही भरना है। BA BCOM के जो विद्यार्थी हैं 2009 के पहले प्रवेश लिए, 9 मतलब 10 साल हो गया या 10-12 साल हो गया, उनकी नोंदणी के लिए संपन्न हो गया, ख़त्म हो गया। अब वो लोग इसमें डायरेक्ट एटीकेटी फॉर्म नहीं भर सकते हैं, उनके लिए फिर से पहले फ्रेश एडमिशन लेना होगा, उसके बाद तब वो लोग परीक्षा आज भर पाएंगे, नहीं तो नहीं भर पाएंगे। अब जिन विद्यार्थियों का 2009 अंक का नोंदणी क्रमांक था, ऑनलाइन पद्धति परीक्षा आज भरता या जो नहीं भर पाएंगे, वो लोग ऑफलाइन पद्धति से परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। उनको 1100 रुपये प्लस 130 रुपये प्रति सब्जेक्ट प्लस 100 रुपये और प्रमाण सूत्र 400 के साथ मिला करके इतना दिए हुए एड्रेस पर भेजेंगे। इसकी लिंक मैं वीडियो में दे रहा हूँ। अच्छा, जो विद्यार्थी 2005 उसके बाद प्रवेश लिए हैं 9 अंक के PRN नंबर वाले, ऐसे विद्यार्थियों का को भी इस परीक्षा के लिए अर्ज भरना है। आणि 2005 पूरी प्रवेश झालेले विद्यार्थी या परीक्षेस पात्र नाही याची नोंद घ्यावे। जो 2005 के बाद किए हैं उन्हीं के लिए है ये, उसके पहले वालों के लिए ये एटीकेटी नहीं है। ऑनलाइन परीक्षा मुड़े विद्यार्थियों परीक्षा पर ध्यान रखिए, एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा इससे सिद्ध हो रहा है छठा पॉइंट, इसलिए हॉल टिकट नहीं दिया जाएगा। और केवल स्टूडेंट्स की जो कॉपी होगी वो पोर्टल पर दी जाएगी, वही ये देख करके वही आपका हॉल टिकट होगा, मतलब पता चल जाएगा कितने लोगों ने फॉर्म भरा। प्रत्येक विद्यार्थियों से परीक्षा से अध्यावत महत्व विद्यापीठ मतलब वेबसाइट ही आप लोग देखते रहो। ये रही नोटिस। नोटिस के बारे में अगर आपको और कोई कमेंट, कोई जानकारी, कुछ और पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और ऑनलाइन की तैयारियाँ करना शुरू कर दीजिए, परीक्षा की तैयारियाँ करना शुरू कर दीजिए। नोटिस आ गई है, अगस्त में एग्ज़ाम है, 5 से 25 तक फॉर्म भरना है। और आप अपना MCQs की तैयारी करते रहे, मॉक टेस्ट भी इनेबल हो जाएगा एग्ज़ाम के पहले 10-5 दिन पहले आप कर लेना। अगर आपका पुराना रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो COE और result@digitalindustry.ac पर मेल भेज करके कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर और कोई समस्या है तो भी आप यूनिवर्सिटी को मेल करके बता सकते हैं। मुझे विश्वास है इस नोटिस से विद्यार्थियों को बहुत जानकारी मिलेगी। अच्छा हाँ, एडमिशन की बात मैं करूँ तो एडमिशन अब जल्द ही शुरू होने वाले हैं SYTY के। FY का तो 12th के एग्ज़ाम के बाद ही होगा, बाकी जो है रिजल्ट्स ये आने वाले हैं, सबको मिलने वाले हैं। मई वाले रिजल्ट तो मिल ही गए हैं, बाकी इसका जो अगस्त का है इसका रिजल्ट आपको अगस्त लास्ट तक नहीं तो सितंबर मिड तक आपको मिल जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, नहीं तो शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।